हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग फायर फाइटिंग सिस्टम से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस रखेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो देखिए, एक ऐसा सिस्टम जो कि फायर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाए, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम कहलाता है। इससे रिलेटेड कुछ अदर पॉइंट्स हम बताएंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत ही हाई प्रेशर के साथ वाटर सप्लाई सिस्टम रहता है और ये बहुत ही सेंसिटिव सिस्टम होता है। वाटर पाइपलाइन जो होती है वो पूरे एरिया में स्प्रेड रहती है, इसमें स्प्रिंकलर्स होते हैं और यही सेंसिटिव स्प्रिंकलर की बस्टिंग की वजह से वाटर स्प्रेड करता है, फैल जाता है पूरे एरिया में और फायर स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ फ्लो स्विच इन फायर फाइटिंग सिस्टम? फ्लो स्विच क्या होता है? देखिए, हम इसमें बताएंगे कि इसका काम क्या होता है, यूजर्स यहाँ पर बताएंगे और ये कहाँ पर इंस्टॉल रहता है। तो देखिए, ये इंडिकेट करता है कि स्प्रिंकलर पाइपलाइन में वाटर फ्लो कर रहा है या फिर नहीं, और ये फायर अलार्म सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्रेशर स्विच? प्रेशर स्विच जो होता है ये एक डिवाइस होती है जो कि फायर पंप में प्रेशर को सेट करने के लिए यूज़ की जाती है और ये कनेक्ट रहता है फायर पैनल के साथ। इसके बाद इसी से मिलता जुलता है प्रेशर गेज। व्हाट इज़ प्रेशर गेज? प्रेशर गेज जो होता है वो वाटर पाइपलाइन में इंडिकेट करता है कि कितना प्रेशर है और ये इंस्टॉल रहता है वाटर पाइपलाइन और फायर पंप में। अब देखिए, प्रेशर स्विच में ये डिफरेंस है दोनों में कि प्रेशर स्विच जो होता है रिक्वायरमेंट होती है उतना ये सेट करके देता है, और प्रेशर गेज ये इंडिकेट करता है कि कितना वाटर पाइपलाइन में प्रेशर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ओएस एंड वाई वॉल्व इन फायर फाइटिंग सिस्टम? देखिए, ये जो वॉल्व्स होते हैं ये स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर पाइपलाइन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, और ओएस मींस होता है आउटसाइड स्ट्रोक और वाई मींस योक। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ फायर पंप यूज्ड इन फायर फाइटिंग सिस्टम? फायर फाइटिंग सिस्टम में कितने टाइप के फायर पंप यूज़ किए जाते हैं? तो देखिए, मेनली 3 टाइप के यूज़ किए जाते हैं। जॉके पंप, सेकेंड है मेन फायर पंप जिसे हम इलेक्ट्रिकल पंप भी कहते हैं, और थर्ड है डीजल पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन डीजल पंप स्टार्ट्स ऑपरेटिंग? डीजल पंप कब स्टार्ट होता है? तो देखिए, जब भी साइट पर फायर एक्सीडेंट होता है पावर सप्लाई शट डाउन हो जाती है और ये डीजल पंप स्टार्ट हो जाता है और उस एरिया को फायर से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डज मेन फायर पंप स्टार्ट? अब बात आती है कि मेन फायर पंप कब स्टार्ट होता है। तो देखिए, जब भी जॉकी पंप के थ्रू फायर कंट्रोल नहीं हो पाती है और प्रेशर ड्रॉप कर जाता है 7 kg/cm² से भी ज़्यादा वाटर पाइपलाइन में, तब मेन फायर पंप स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, NFPA स्टैंडर्ड नंबर 3 स्टैंड्स फॉर विच सिस्टम? इसमें डिस्क्रिप्शन है फायर प्रोटेक्शन सिस्टम की कमिशनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NFPA स्टैंडर्ड नंबर 10 स्टैंड फॉर विच सिस्टम? तो इसमें पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं। याद रखिएगा, पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट है NFPA स्टैंडर्ड नंबर 12। NFPA 12 में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इंस्टॉलेशन सिस्टम के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, NFPA 13 स्टैंड फॉर विच सिस्टम? तो देखिए, 13 में स्प्रिंकलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद NFPA स्टैंडर्ड नंबर 14 स्टैंड्स फॉर विच सिस्टम? इसमें 14 में क्या है कि होस्ट सिस्टम की इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं। NFPA स्टैंडर्ड नंबर 17 स्टैंड फॉर विच सिस्टम? अब इसमें देखिए, ड्राई केमिकल यानी कि ABC टाइप एक्सटिंग्विशर की इंस्टॉलेशन के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं। उधर आपने देखा था कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर को NFPA 10 में डिस्क्राइब किया गया था। उसके बाद है NFPA स्टैंडर्ड नंबर 20। तो देखिए, 20 में फायर फाइटिंग सिस्टम्स की पंप रूम की इंस्टॉलेशन की बात की गई है। NFPA स्टैंडर्ड नंबर 22, तो देखिए, इसमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के फायर वाटर टैंक के स्टैंडर्ड डिस्क्राइब किए गए हैं, फायर वाटर टैंक के। व्हाट इज़ MCP इन फायर अलार्म सिस्टम?
MCP means manual call point. अब ये कहाँ यूज़ की जाती है, किस तरह से यूज़ की जाती है, तो देखिए जैसे ही फायर एक्सीडेंट होता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, वहाँ पर डिटेक्टर काम नहीं कर रहा होता है, तब ये जैसे ही हूटर रिंग करता है तब इसको मैन्युअली हम ऑपरेट करते हैं, ये डिवाइस मैन्युअली ऑपरेट की जाती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी यूज़ FM 200। FM 200 का यूज़ हम कहाँ करते हैं, तो इसका यूज़ हम कई जगह करते हैं, जैसे कि सर्वर रूम, इलेक्ट्रिकल रूम, पैनल रूम, कंप्यूटर रूम एट्सेट्रा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिटेक्टर यूज्ड इन फायर फाइटिंग सिस्टम, कितने टाइप के डिटेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, तो देखिए मेनली टू टाइप्स के यूज़ किए जाते हैं, स्मोक एंड हीट डिटेक्टर। स्मोक जो होते हैं वो स्मोक को सेंस करके एक्टिवेट हो जाते हैं, और हीट डिटेक्टर जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं ड्यू टू सेंसिंग ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर की रेडियस क्या होती है, तो देखिए जनरली 1.5 मीटर्स रेडियस रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन टू स्प्रिंकलर्स, टू स्प्रिंकलर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी रखी जानी चाहिए, तो देखिए 3 to 4 मीटर डिस्टेंस इनके बीच रखी जाती है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ होज रील पाइप, स्टैंडर्ड लेंथ क्या है होज रील पाइप की, तो वो है 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट आर द क्लास ऑफ GI पाइप्स, देखिए देयर आर, यहाँ पर क्या होता है कि मेनली 3 टाइप्स के क्लास होते हैं GI पाइप्स के, ABC। देखिए GI पाइप्स हमने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, बेसिक से लेकर हाई एडवांस लेवल तक, और इसके क्लासेस का भी एक वीडियो है, तो उसकी पर्टिकुलर लिंक उस वीडियो की हमने इसमें ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दिया, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फायर स्प्रिंकलर्स, पेंडेंट स्प्रिंकलर, अपराइट, साइड वॉल, कंसील्ड, इतने टाइप के फायर स्प्रिंकलर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन सर्वर रूम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो देखिए सर्वर रूम में कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, देखिए आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, यूट्यूब जो होता है ये वीडियो को रिकमेंड करता है फिर ज़्यादा लाइक्स आने पर, और इससे आपका नुकसान नहीं बल्कि इससे थोड़ा क्रिएटर का थोड़ा सा फ़ायदा है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।